हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 जो है, उसमें हम उस पूरी यूनिट को हमने 17 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से काफी सारी क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए कब कैसे बना है वो हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 338 में ही दोनों के बारे में बात है। आर्टिकल 338 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए बोला गया। फिर 18 नवंबर 1950 को राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी। फिर 1978 में कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक बहुसदस्य आयोग बनाया गया। सेम चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई, जिसमें पहले अध्यक्ष हमारे रहे थे भोला पासवान शास्त्री जी। फिर 1987 में आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग रखा गया। ठीक है, अभी दोनों साथ में, ये मैंने आपको जनजाति आयोग में भी पढ़ा रहा हूँ और जाति आयोग में भी पढ़ा है, अनुसूचित जाति आयोग में भी यही सब चीजें पढ़ाई हैं, तो रिपीट हो रही है जस्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 12 मार्च 1992 को 65वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, मतलब इसके बाद अब हम बोल सकते हैं कि भैया आज का हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो क्या है, एक संवैधानिक इकाई है। तो 19 फरवरी 2004 को क्या किया गया, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338 में बोल दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 338 है किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 338A किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो बेसिकली हम 338A के बारे में बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, अच्छा, जब ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलेंगे एच रामधन हुआ करते थे। आज का जो हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी स्थापना 1978, वर्तमान स्वरूप आज का जो उसको मिला है वो फरवरी 2004 में मिला। उसका आधार था संविधान का अनुच्छेद 338A भाग 16। ठीक है, 338A। अच्छा, संवैधानिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि संविधान में इसको जगह मिल गई थी। जनजाति कल्याण मंत्रालय इसके अधीन है, सॉरी ये अधीन है जनजाति कल्याण मंत्रालय के। मुख्यालय नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय मुख्यालय मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय में है। पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे, वर्तमान अध्यक्ष अभी रिक्त हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष भी अभी रिक्त हैं। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम तक इसको चेक करेंगे अपन। ठीक है, मैं अपडेट देता रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर भी कि जैसे ही कोई बनता है। तो कुंवर सिंह 15/3/2004 अब तक के अध्यक्ष जो रहे हैं। उसके बाद उर्मिला सिंह पहली बार अब तक एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है, ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है, उर्मिला सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष और एक ही रही है। डॉक्टर रामेश्वर ओरांच 2010, डॉक्टर रामेश्वर ओरांच 2013 क्योंकि दो बार अध्यक्ष बन सकते हैं, नंद कुमार साई 2017। ठीक है, आयोग की संरचना के बारे में सेम जैसी उसमें थी अनुसूचित जाति आयोग में, वैसे ही इसमें है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करता है, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति डिसाइड करता है। 3 साल इनके द्वारा कार्यकाल होता है और अधिकतम 2 बार कार्यकाल ये पूरा कर सकते हैं, मतलब अधिकतम एक बार पूरा कार्यकाल कर लिया, दूसरी बार फिर से नियुक्त होके बस 2 बार तक ही बन सकते, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में, तो अध्यक्ष जो है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। ठीक है, और बाकी के जो सदस्य होते हैं ना, उनको भारत सरकार के सचिव के स्तर का दर्जा दिया जाता है, याद रखिएगा। इनके वेतन भत्ते सब कुछ किसके बराबर होते हैं, भारत सरकार के सचिव के बराबर होते हैं। अच्छा, ये अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं पूरे साल भर की, और किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको संसद में पेश कराता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद में रखवाएगा, संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भी भेजी जाती है, फिर उसको राज्यपाल क्या कराएगा, उसको उस संबंधित विधानसभा में रखवाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अगर हम काम के बारे में बात करें तो क्या करेगा, अब देखो यार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसके लिए बना, जनजाति के लिए, तो किसके लिए काम करेगा, जनजाति के लिए। तो जनजाति के लिए क्या काम करेगा, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करेगा। अब उनका कल्याण किसमें है कि भैया उनकी संस्कृति का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल लोग क्या, उनकी संस्कृति से बड़ा प्यार करते हैं, तो उनकी संस्कृति का हनन ना हो। उसके अलावा उनको पूरे अधिकार मिले, उसको मुख्य धारा में लाया जाए, जनजातियों को मिले संवैधानिक संरक्षण, जो संविधान में संरक्षण मिला उसकी देखरेख करना, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसमें अगर कोई शिकायत है तो उसको जांच करना, जनजाति लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास समीक्षा जरूर करते हैं कि भैया इनका, हमने जो इनके लिए योजनाएं चला रखी हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद किसी जनजाति वर्ग को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है नहीं करना है, इसलिए राष्ट्रपति को एडवाइस करना, सलाह देना। राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकार और
इनका जो डेवलपमेंट है विकास उसके बारे में हर साल रिपोर्ट बनाकर देना, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, तो गठन हुआ था 29 जून 1995 को। उसके बाद संरचना एक अध्यक्ष दो सदस्य है। ये मध्य प्रदेश का आयोग है, ये राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये राष्ट्रीय नहीं है, मध्य प्रदेश का है। इसमें 3 साल की नियुक्ति होती है और नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों राज्य सरकार, नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी और अगर आपको हटना है या हटाना है उसको तो राज्य सरकार ही हटाएगी, ठीक है। तो संरचना में एक सदस्य, एक अध्यक्ष होता है, दो सदस्य होते हैं। 29 जून 1995 को ये बनाया गया था, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है, गागर में सागर भरने का काम इन नोट्स में किया गया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप वेबसाइट से नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।